एक छोटा निवेदन मैं मेरी तरफ से आपका एक अर्जी लगाना चाहूंगा। दो बड़े नेता हिंदुस्तान के बैठे हैं, एक अखबार है जो जागरण अखबार, लगातार 100 दिन से बहुत गंदा किसान के बारे में लिख रहा, बहुत गंदा लिख रहा। कल भी टिकरी बॉर्डर के बारे में लिख रहा, कहता कि टिकरी बॉर्डर का धरना पाट गया, सतानिया लोग आ गए और उड़ा संख्या ही नहीं, 6 बज रहे। अगर तो कोई साथी देख सकता हो सीआईडी कार, कोई पत्रकार बंधु कितनी संख्या में टिकरी बॉर्डर के ऊपर। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि आज्ञा आपकी मानेंगे, हम तो आपके बालक हां, लेकिन बहुत सारे दिन हो गए पर दैनी भाई बहिष्कार ना करो, मैं इन्हें पढ़ना बंद कर दो, घर तक जमा बिल्कुल छोड़ दो। अगर हो सके तो मैंने अर्जी लाई है कि जागरण अखबार का तो कम से कम बहिष्कार करे देश मुक्त मोर्चा, क्योंकि महाराज जी नहीं सुखता इस अखबार बनिया ना, मारा इन टीविया बिना जी नहीं सुखता, मारा काम चाले फोन। तो आप सबको या मेरी छोटी सी अर्जी है, अब हमारे बीच में गुरदीप जी हैं जो लगातार 100 दिन से टिकरी धरने के ऊपर बड़ी मजबूती के साथ इस आंदोलन को चला रहे, स्टेट के आगू हैं, वो भी आए हुए नेताओं का एक बार सम्मान करना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगा गुरदीप जी से, वो आए और अपनी बात रखें। गुरदीप जी किसान प्रभो, असी थोनों बिठाया कि साढ़े मतलब संयुक्त मोर्चे के आगू आ रहे हैं, सानू बहुत तुसी सहयोग दिता, तो जिन्हें भी साढ़े साथी आ गए दकाय जी होर मतलब जिन्हें भी आगू साढ़े आए ने, असी पंजाब वालों भी इन्हों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और यकीन दवाने हैं पंजाब वाले तो हरियाणा वालों, यकीन दवा दो कि जिहड़ियां आप बंबियां लातियां तो कुंडियां बना लिया कि तिन्ने कानून रद्द कराए बिना नहीं आप जाना, हथ खड़े करके दसो ना। तो इस करके अभी फिर साड़ी संयुक्त मोर्चे की लीडरशिप साड़ी टिकरी बार्डर से आए हैं, इन्हों का असी पंजाब वालों भी और समुचे भाईचारे वालों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और टिकरी बार्डर से लोग लानाले दोलनकारी लोग बैठे ने, ये मरते दम तकर इतने लड़ेंगे तो लड़के जाएंगे तो तिने कानून वापस करा के जाएंगे, फिर मैं विश्वास दवाना संयुक्त मोर्चे का आगू तेनाली धनवाद भी करता है।